हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान संशोधन से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने सभी ग्रुप में शेयर करिएगा। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन करते हैं, बैंक के लिए, SSC के लिए, रेलवे के लिए या फिर UPSC तक का भी अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है सौरभ 11। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और देखिए, एक चीज़ करिएगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आप सभी को पता है भारतीय संविधान बहुत सारी कंट्रियों के संविधानों से मिलकर बना है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा संविधान संशोधन। देखिए, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो किस भाग और किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में, 368 आर्टिकल में। तो ये आपको याद रखना है, भाग 20 और आर्टिकल 368 में, ठीक है गाइस। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो पहला संविधान संशोधन था वो किससे किससे संबंधित था। दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। तो इसका सही आंसर आप ऑप्शन 2 टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज, इसका सही आंसर रहेगा 42वां अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्रस्तावना यानी कि प्रिम्बल को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। तो ये 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया है। तो ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपके 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ही ऐड हुई थी, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किस आर्टिकल में ऐड हुई थी। तो इसमें एक नया आर्टिकल ऐड हुआ था, आर्टिकल 51A। तो ये भी आपको याद रखना है। और किस कमेटी की कमेटी के द्वारा ऐड हुई थी दोस्तों, तो स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये भी आपको याद रखना है, रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में ऐड हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और ये भी दोस्तों आपका 42वें संविधान संशोधन में ही आता है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही आता है, तो ये भी आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको लाइक करते हुए चलिएगा। और देखिए, अनअकैडमी पर ज्वाइनिंग प्रोसेस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक, जितने मंथ का भी कोर्स लेना है उतने पे क्लिक और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पे लिखा होता है एंटर रेफरल कोड, वहाँ पे डालना है 16 11, और इस कोड को डालने के बाद में अप्लाई के बटन पे क्लिक करिएगा। इससे आपकी जो फीस यहाँ पे होगी
वो डिस्काउंट होके कम दिखना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया। संपत्ति का अधिकार यानी कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स में आता था, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स 7 होते थे। अभी फंडामेंटल राइट्स होते हैं कितने? 6, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको हटा करके अब एक लीगल राइट बना दिया गया है। और ये दोस्तों किस में आता था? ये 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 1978 में। उसके तहत 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट बना दिया था। तो अभी जो है संपत्ति का अधिकार वो किस में चला गया? वो 300A में चला गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी फंडामेंटल राइट्स, देखिए फंडामेंटल राइट्स पे एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि संशोधन से संबंधित क्वेश्चन हम देख रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, ये नगर पालिका के लिए हुआ था। कब हुआ था ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हुआ था 1992 में। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीटेड, जो कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों ये हुआ था हमारा 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, जिसके तहत जो वोटिंग की उम्र थी, जो मतदान करने की उम्र थी, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था ये भी आपको पता होना चाहिए, तो 1989 में ये हुआ था प्यारे दोस्तों। तो आई होप कि ये सारे ही पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा 3 प्रकार से। अब 3 कौन-कौन से प्रकार हैं? एक आपका सिंपल मेजोरिटी के साथ में, एक स्पेशल मेजोरिटी, एक है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद कंसेंट ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट की सलाह पर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के से अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। चलिए अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था? देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है मैंने, 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था। इसका मतलब लोकसभा का जो कार्यकाल पहले होता था वो 6 वर्ष होता था, अभी 5 वर्ष होता है। तो दोस्तों ये हुआ था आपका कब? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा बिल्कुल 44 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 की गई? देखिए वैसे अधिकतम संख्या कितनी होती है? टोटल सीट दोस्तों 552 होती है लोकसभा में। ठीक है, अब इसमें से जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो होते हैं 543, और 2 होते हैं जो कि जिनको नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियंस एज अ एंग्लो इंडियन बाय द प्रेसिडेंट, है ना। तो कितनी होगी? सॉरी, हाँ सही तो है ना, 445। तो यहाँ पर ये कौन सा अमेंडमेंट था? तो ये हुआ था 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। पहले एक्चुअली लोकसभा की जो सीटें होती थी वो 525 होती थी, अब उनको बढ़ाकर 545 कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। तो इसके बारे में शायद अभी हम बात करके आए हैं। ठीक है, तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी अभी हमने बात की है कि एक घटाया गया है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको घटाकर अभी किस आर्टिकल में डाला गया है, और अभी ये किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था, दोस्तों इसको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य की संवर्ती सूची में लाया गया? तो दोस्तों ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हुआ है, तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? ध्यान से सुनिएगा, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए, देखिए मौलिक अधिकारों में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें पहले कोई भी अमेंडमेंट होने की गुंजाइश नहीं थी, तो उनमें कुछ भी चेंजेस करने के लिए, ठीक है, यानी कि और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कुछ भी ऐड किया जा सकता है, उनमें से हटाया नहीं जा सकता है, यानी कि किसी भी फंडामेंटल राइट को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई कि अमेंडमेंट करने की, तो वो अमेंडमेंट कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐसा हुआ था कि हम फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं? तो ये 24वां अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट होना स्टार्ट हो गया था, और दोस्तों ये हुआ था आपका 1971 में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल 21st अमेंडमेंट एक्ट में, और ये कब हुआ था, ये 1967 में हुआ था। ध्यान से रीड करिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को, किस जो भाषाएं आती है वो 8वीं अनुसूची में आती है, और उसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो संविधान संशोधन हुआ था 21वां, और ये कब हुआ था, 1967 में प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? पहले ऐसा होता था कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी, ठीक है, बट किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया कि संयुक्त बैठक बुलाना अनिवार्य या आवश्यक नहीं है? और दोस्तों ऐसा हुआ था 11वें संविधान संशोधन में, और ये कब हुआ था, 1961, तो ये भी प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ किया गया था, ये क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले बताना चाहिए था, ये हुआ था दोस्तों 1951 में, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो अगर संविधान में संशोधन करना है, ठीक है, या संशोधन होगा, तो उसके लिए सबसे पहले जो बिल होगा, ठीक है, वो पेश होगा संसद में, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बताया गया है? तो ये हमारा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? तो प्यारे दोस्तों हमारा ये 86th अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि कब हुआ था, ये 2002 में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट में इसको शामिल किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो देखिए मैं आपको पहले भी बताया था, इसको ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और ये 42वें संविधान संशोधन में ऐड किए गए थे, ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा आपका 18वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1966 में, तो ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो जो अधिकांश संशोधन किए
किए गए हैं या किए जाते हैं, तो उसमें एक सिंपल सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, साधारण बहुमत, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, जिसमें क्या होता है 50% वोट प्लस वन, ये वाली होती है सिंपल मेजोरिटी। तो इसमें साधारण बहुमत ये अपनाई जाती है अधिकांश जितने भी अमेंडमेंट होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट है, भारत के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया? तो प्यारे दोस्तों, ये है अपना संपत्ति का अधिकार, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो संपत्ति का अधिकार को हटा के अब एक लीगल राइट बना दिया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है, तो किससे है? 42वां संविधान संशोधन। अब यहां पर चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, संपत्ति के अधिकार से तो नहीं है, ठीक है, मूल अधिकार से नहीं है, मूल कर्तव्यों से बिल्कुल है, तो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया? तो देखिए, घुमा फिरा के क्वेश्चन 2-3 बार वही पूछ लिया गया है, बट इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आपसे पूछने के तरीकों को देखिए, दोनों अलग अलग हैं, है ना। ये 51A में आया है नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य हैं, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, आई थिंक ये तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति जनजातियों हेतु प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा बिल्कुल 89 अमेंडमेंट एक्ट। तो दोस्तों ये 89 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत के 73वें संविधान संशोधन का संबंध है। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आता है, ये पंचायती राज राज से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? देखिए, पहले क्या था कि गोवा एक राज्य नहीं था, ठीक है, तो राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 56 अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन हो गए, ठीक है, संशोधन की पहल की जा सकती है, तो पहल की जा सकती है संसद से और संसद के किसी भी एक सदन में, ठीक है, तो ये आपको चूज करना है कि संसद के किसी भी सदन से पहल की जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 का 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था वो किस विषय से संबंधित था? दोस्तों ये था सहकारी समिति के गठन एवं क्रियाकलाप से, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्रियाकलाप से, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्री मंडली के आकार को सीमित करता है? तो ये सीमित करता है 91 संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये संशोधन ही है, ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा अकेली संसद द्वारा, ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो दोस्तों ये बताता है 91वां संविधान संशोधन, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता, ध्यान से सुनिएगा, जिसको सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को, ठीक है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसको नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विषय परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है, तो प्यारे दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन में रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया, तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन में। वह संशोधन वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था, राजनीतिक दल बदल कानून जो लाया गया था वो 1985 में 52वां संविधान संशोधन था, तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये देखिए यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, 53 नहीं है, 52 है, तो 52वां संविधान संशोधन है वो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, तो मिनी संविधान के बारे में देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो सभी को पता होगा संपत्ति का अधिकार को, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस भी किया था, संविधान संघ से किसी राज्य के पृथक होने का प्रतिबंधित किया गया है, तो ये आपका क्या रहेगा, बिल्कुल संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा संविष्ट किया गया है, तो इसका सही उत्तर रहेगा बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन। देखिए 42वें संविधान संशोधन को इसलिए ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार, चलिए, से निकाल लिया गया है, तो ये तो हो चुका है यार। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो भाई जल्दी से बताइए, अभी अभी मैं बता के आया हूँ, और इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि 45 का आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो प्लीज़ आंसर करिएगा। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, इंस्टाग्राम और आपने फेसबुक पे अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे, कोई भी आपका डाउट होता है वो भी आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।